तो योगिता ने यहाँ की रारा मैगी ऑर्डर की थी ये तो और रारा का पारा कर दिया लग रहा है। आई थिंक सूरज ईस्ट से उगता है तो आई थिंक हाँ ईस्ट से उगता है। ऊपर बैट्स हैं क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? पाताल लोक से बाहर आया हूँ। कहाँ से दिख नहीं रहे? ठीक है आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दे दो फोन। पता नहीं सूरज तो देख लिया अभी गीतांशु क्या ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो? लोकेशन ढूंढ रहा हूँ कहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर ट्रैवल ग्राम। तो आज के दिन की शुरुआत रात में ही हो गई है। नहीं सर रात में ही, अर्ली मॉर्निंग 5:10 हो रहा है। तो अराउंड 5:00 हो गया और आज हम लोग जा रहे हैं सनराइज व्यू देखने के लिए सारंगकोट पे। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं, कैब ड्राइवर भैया आ गए हैं, लेट्स गो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सारंगकोट, बिल्कुल रात का अंधेरा है, रात का अंधेरा है बट टाइम तो लाइक सुबह के 5 ही बज रहे हैं। तो रात के हिसाब से भी ट्रैफिक है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है, लोग जागे हुए हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग सा लग रहा है, लाइक यहाँ के लोकल लोग एक पहाड़ के ऊपर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मतलब अलग ही सही। तो चलो चले। काफी ऊपर तक जाना है, 500-600 सीढ़ी है शायद, काफी ज्यादा ठंड है, थक गए, कुछ दिख नहीं रहे। हमने अपना आधे से ज्यादा रास्ता कवर कर लिया है सारंगकोट व्यू पॉइंट के लिए। स्टिल थोड़ा सा रास्ता बाकी है, जो आपको ऊपर टावर दिख रहा है वहां से मेजर व्यू पॉइंट है। हम थोड़ा सा नर्वस भी हैं क्योंकि आज फॉगी डे है, पता नहीं इतनी मेहनत के बाद सनराइज हो पाएगा या नहीं। वे टू व्यू टावर, वॉच टावर की एंट्री टिकट है ₹60 पर पर्सन, टिकट बाय हो गई है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट। चलिए फिर से स्टेयर्स से थोड़ी देर यहाँ भी बैठ सकते हो, पहले वो आके भी बैठ सकते हैं, वहाँ पे चलते हैं। ठीक है चलो चलो। तो गाइस ऊपर वॉच टावर पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग यहाँ नीचे ही आके बैठ गए हैं एंड कंपास से चेक कर लिया है, लाइक ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमारा जो सूरज है होपफुली इस साइड से उगेगा, बट लाइक मौसम क्लियर नहीं है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स वेट फॉर द सनराइज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर 6:35 हो गया है, सन का अभी तक कुछ नामो निशान नहीं है, देखो क्या होता है, कब तक निकलेगा आज ये सन। Wow. Here we are waiting for the sunrise. Sun has risen, but to somewhere else. I think it should come from here. मैं इतनी इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ? ये साइड में दाग नहीं है, ये एक बादल है, तो कंफ्यूज मत होइए। ये? हाँ। ये बादल नहीं, ये दाग। अरे मतलब स्क्रीन में ऐसा लग रहा है जैसे दाग पड़ा हुआ है। One eternity later.
रिकॉर्डिंग द सनराइज एडवर्टाइजिंग एप्पल आईफोन आज यहाँ बैठे बैठे ये रियलाइज हुआ सिर्फ हम ही लेट नहीं होते सूरज भी लेट होते मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस बोला था 6:42 पे आएगा बट 25 मिनट लेट चल रहा है ये टाइम से देखिए ये होता है प्रोफेशनल व्लॉग का सेटअप भाई ने एक कैमरा अपने मुंह की तरफ लगाया हुआ है और एक कैमरा नहीं उसे गोप्रो बोलते हैं गोप्रो अरे वो मोबाइल जो उसके हाथ में है और गोप्रो लगा रखा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए और अपना फेस रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल भाई साहब मजे ही मजे और एक हम है पत्थर लगा लगा सस्ते भी लोग पत्थरों के साथ बस एक माइक लेके घूम रहे हैं और कुछ नहीं है गाइस प्लीज फंडिंग कर दो गरीब सनराइज भले ही थोड़ी देर बाद हुआ लेकिन जो व्यू दिखा है उसका तो मजा ही आ गया कार पार्किंग से यहाँ तक आने के लिए 10 टू 15 मिनट्स की वॉक लगती है और यहाँ पे सारी स्टेयर्स ही हैं उसके बाद बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है एंड मंदिर से फिर से 2 मिनट के रास्ते पे आपको मिलता है एक टावर की एंट्री ये टावर 6 फ्लोर में डिवाइडेड है एंड इस टावर की एंट्री टिकट है 60 रुपीज पर पर्सन NPR एंड यहाँ ऊपर टावर से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है और हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे तो एडवांटेज हुआ हम लोगों ने बेस्ट लोकेशन यानी सीट पकड़ लिया था और वहाँ से सनराइज का पूरा मजा लिया तो आज के दिन के ट्रिप के लिए हमने कल वाले टैक्सी ड्राइवर भैया से ही बात कर ली थी तो उन्होंने ये पैकेज हमें प्रोवाइड किया था 3500 NPR में जिसमें कि लाइक वो हमें सुबह होटल जिसमें कि वो होटल से पिक करते हैं एंड होटल तक ड्रॉप करते हैं तो उन्होंने आज सुबह हमें 5:30 बजे होटल से पिकअप किया एंड सबसे पहले लोकेशन यहाँ पे लेके आए इसके अलावा लाइक वो दिन में 4-5 लोकेशन हमें और कवर करवाने वाले हैं जिनका नाम अभी हमें याद नहीं है तो अभी ये व्यू पॉइंट तो बहुत अमेजिंग था बहुत अच्छे दर्शन हुए सूर्यदेव के बट अब इस लोकेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब वो हमें कहाँ लेके जाते हैं तो हमें अपनी नेक्स्ट लोकेशन पता लग गई है जो कि है विंध्यवासिनी टेंपल से जगह का नाम है विंध्यवासिनी और वो बोल रहे थे विंध्यवासिनी तो अभी हम लोग आ गए हैं माता विंध्यवासिनी मंदिर में वैसे मार्कंडेय पुराण के हिसाब से ये बताया गया है कि माता विंध्यवासिनी दुर्गा माता का ही एक रूप है ये मंदिर बहुत सुंदर है और यहाँ पे 4-5 छोटे छोटे और भी मंदिर है जहाँ पे सीताराम और राधे कृष्णा विष्णु भगवान और शंकर भगवान के भी मंदिर हैं तो यहाँ पे हम अर्ली मॉर्निंग ही आ गए तो हमें ऐसे कुछ भीड़ नज़र नहीं आई है इस मंदिर के भी मल्टीपल एंट्रेंसेस है हम लोगों ने मेन रोड के साइड से एंट्री किया है इस जगह पे आप आराम से आधे घंटे का टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड मॉर्निंग में इसकी कोई टिकट नहीं लगी है तो विंध्यवासिनी माता के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है महिंद्रा केव
तो महिंद्रा केव में एंट्री करने से पहले भूख लग गई है, तो और खाना बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो चाय बिस्किट से शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा टेस्टी टेस्टी और चाय कैसा है? ठीक है, मस्त है। तो योगिता ने यहाँ की रारा मैगी ऑर्डर की थी, ये तो और रारा का पारा कर दिया लग रहा है। आराम आराम से, आराम से खाना है, नूडल समझ के खा लो, कोई बात नहीं। वो क्या, इसीलिए बोलते हैं नॉन वेज शुरू कीजिए, ब्रेड ऑमलेट सबसे सेफ ऑप्शन है। दिखने में कैसा और टेस्ट कैसा है? जैसा दिखने में वैसे ही टेस्ट भी है। बिल्कुल पानी। तो मैगी तो खाओ, सिर्फ पानी पियोगे तो पानी का ही टेस्ट आएगा ना। नेपाल में मैक्सिमम चीजें लाइक ऐसे रोड के साइड में ही बनी हुई हैं, लाइक एंट्रेंस मेन रोड से ही होती हैं। अब योगिता टिकट लेगी, सार्स टूरिस्ट के लिए 80 रुपया टिकट है। Way to caves, Mahindra caves. गीतांशु कहाँ जा रहे हो? ये गीतांशु गायब हो गए। ओ शिट, ना बहुत अंदर है क्या? गीतांशु सही आ रही है जरा? अंदर लाइट्स हैं गुफा के, बाहर मैसेज लिखा हुआ था कि कोई गाइड की जरूरत नहीं है इसके। मरी गुफा कभी जाती है? ये पाताल की तरफ जा रही है। जिसका भी रास्ता दिख रहा है वो पाताल की तरफ जा रहा है। नीचे जा रहा है तो पाताल, ऊपर जा रहा है तो स्वर्ग। यही है हमारे यहाँ का। ऊपर बैट्स हैं क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? तो महेंद्र केव में आके मजा ही आ गया। टिकट काउंटर से जो गुफा के तक का रास्ता है वहाँ हार्डली 5 मिनट्स की वॉक है। बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा जहाँ से आपको अंदर जाना है। दूर से तो आपको देख के लगेगा यहाँ अंदर क्या ही होगा, लेकिन जैसे ही आप सीढ़ियाँ उतरेंगे आपको एक खाली गुफा दिखेगी। उस आप बस पाथ को फॉलो कीजिए, फॉलो कर इवन उन्होंने थोड़ा अंदर जाके लाइटिंग का फैसिलिटी दिया हुआ है, और अंदर जाके एक भगवान गणेश का बहुत अच्छा चट्टानों पे ही मूर्ति बना हुआ है। वहाँ प्रॉपर पंडित जी है जो पूजा वगैरह आपसे करवा देते हैं। एंड जब आप रिटर्न में आते हैं तो एक एग्जिट वे लगा हुआ है जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, यानी वहाँ पे आपको और कुछ नहीं दिखेगा। तो मैंने तो मना कर दिया कि जहाँ से एंटर हुए वहीं से बाहर जाते हैं, पर गीतांशु इज लाइक लेट्स एक्सप्लोर, देखते हैं जाने का रास्ता है या नहीं है। गीतांशु गए और वापस आ गए, बोलते नहीं नहीं यहाँ कोई रास्ता नहीं है। पर फिर से वहाँ से पीछे से हमें कोई गाइड भैया थे, उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ पे एक रास्ता मिल जाएगा, और वो रास्ते को पार करने में मजा आ गया। ये रास्ता तो काफी छुपा हुआ सा रास्ता है। क्या हुआ? आराम से आराम से, काफी मजेदार रास्ता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम चलो। हाँ ऊपर जाके ले लो, अब तो रास्ता दिख गया। वैष्णो देवी की याद दिला दिया मेरे को इस केव्स ने। टॉर्च के बिना अरे निकल जाएंगे। तो ये रास्ता है, थोड़ी देर वीडियो बंद करनी पड़ेगी, निकलना है तो।
महादेव केव का जो मजा था वो गुफा को पार करने में ही था। और तो बाहर ही लिखा हुआ है कि यहाँ गाइड की कोई जरूरत नहीं है, हार्डली 5-10 मिनट्स का रास्ता है, तो आप बिना गाइड के आ सकते हैं। तो इस प्लेस पे हमें 40 से 45 मिनट का टाइम लगा और यहाँ की एंट्री फीस थी 80 रुपये नेपाली रुपया। एंड अगर आप पोखरा में हैं तो ये प्लेस बिल्कुल मिस मत कीजिए। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जिसका नाम है चमेरा गुफा और ये एक बैट केव भी है। लोकेशन भी लाइक रोड साइड में बीच में से एक गेट है जो कि चमेरा गुफा की तरफ जाएगा। Also known as Batcave. I'm Batman. बहुत ज्यादा पास है भाई। तो चमेरा केव्स महिंद्रा केव से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। लाइक हम 2 मिनट की ड्राइव में यहाँ पे पहुँच गए। तो महिंद्रा केव में जो हमने किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो यहाँ थी बॉस। तो जैसा कि हमने बताया था कि एक बैट केव है तो हम लोग काफ़ी डरे भी हुए भी थे कि लाइक अंदर बहुत सारे बैट्स रहेंगे। तो यहाँ की एंट्री टिकट है 80 नेपाली रुपया। तो एंट्री के पास ही हमें गाइड दिख जाता है। तो वैसे तो ड्राइवर भैया ने बताया था कि गाइड की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लाइक हम खुद से भी जाके देख सकते हैं, बट लाइक बैट्स का मामला है बॉस, रिस्क नहीं लेने का। तो उन्होंने बोला था कि हमें एडवेंचर कराएंगे और जो बोला था वो उन्होंने किया भी। तो हम लोग क्लोज टू लाइक 5 मिनट्स डाउन केव के अंदर जाते हैं और केव के अंदर लाइक हज़ारों की तादाद में चमगादड़ हैं। लाइक गाइड ने बताया लाइक 25,000 चमगादड़ हैं अंदर, और अंदर जाके बहुत डर लगता है, लाइक कंप्लीट अंधेरा है। एक टॉर्च की हेल्प से गाइड हमें बैट्स को दिखाता है एंड उन्होंने बताया कि ये बैट्स शाम को 6 बजे के आसपास जहाँ से हम एंटर किए थे वहीं से पूरा झुंड बना के बाहर निकलते हैं और सुबह सुबह वापस आ जाते हैं। लाइमस्टोन है जो कि 10 साल में 1 इंच बढ़ता है। 90 साल में 1 इंच। अच्छा ठीक है भैया, नज़दीक नज़दीक लाते हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक ले गए चमका दूंगा। यहाँ से भैया तो चमगादड़ तो मतलब एक चीज़ थी यहाँ की, लाइक उसके बाद यहाँ का एग्ज़िट, लाइक ये एग्ज़िट है नीचे गुफा में से, लाइक बिल्कुल पतली पतली गलियों में से, लाइक कहीं कहीं से पैर रख के हम इस छेद में से बाहर आते हैं। लाइक आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि ये एग्ज़िट है, बट लिटरली हम लोग यहीं से बाहर आए हैं। ये टाइगर और ये स्नेक भी दिख रहे हैं ऊपर। स्नेक नहीं है, हाँ स्नेक नहीं है, ये स्नेक है ना, इधर देखिए शंख का शेप है, ये वाला कहाँ पे, ये वाला। ओ भाई साहब, डमरू जैसी आवाज आ रही है, तो डमरू जैसी आवाज आ रही है, काफी खास है। वो जो रोशनी दिख रही है और अपने को वहां जाना है, ये भी अपने अपने एडवेंचर है। Let's go. All set? All set. ऊपर देखना है। चलो। पीछे बस बचा के सर। फिसले ना प्यार। अरे मैं चढ़ जाऊंगी डेंग भरी। इधर आदि है। आदि है। हाँ दे दो। आराम से, आराम से, आराम से। क्या ये? आराम से। मैं वीडियो बना नहीं पाया। क्या तस्वीर सही है? और भी, और भी। चल। लाइट ऑन दी। भाई फंस गई क्या? आयशु यहाँ से देख लिया, पाताल लोक से बाहर आया हूँ। कहाँ से दिख नहीं रहे? ठीक है आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दे दो फोन। तो अभी हम लोग पाताल लोक गए थे, पाताल लोक में चपा बहुत सारे चमगादड़ देखे और पाताल लोक से बाहर आने का रास्ता है। अब नहीं होगा। आराम से, आराम से, आराम से। भाई साहब, भैया कहाँ कहाँ से निकालते हैं।
How's the Josh? भैया पकड़ रहे भैया। तो अगर आप महिंद्रा केव जा रहे हैं तो चमेरा केव को भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और लाइक गाइड लेके आप ये चीज का मजा जरूर लें। तो यहाँ पे हमने क्लोज टू 1 आवर स्पेंड किया है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो बैड केव्स की मेहनत के बाद थोड़ा सा छोटा सा मोमोज का ब्रेक ले लिया और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो की है गोरखा म्यूजियम। गोरखा मेमोरियल म्यूजियम डेडिकेटेड है गोरखा आर्मी के शहीदों के लिए। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के साथ। तो ये म्यूजियम 3 फ्लोर में बना हुआ है और लाइक यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी भी है। लाइक काफ़ी छोटे से एरिया में उन्होंने बहुत सारी मेमोरीज कवर की हैं। लाइक हर कोने में कुछ ना कुछ लाइक ऑथेंटिक पिक्चर्स का यूज़ किया है अपनी मेमोरीज को दिखाने के लिए। लाइक वहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस अवेलेबल हैं, उनकी ड्रेसेस अवेलेबल हैं, उनके हथियार लाइक इस टाइप की चीज़ों को कवर किया गया है। इस म्यूजियम में एंट्री टिकट है 150 NPR फॉर SARS कंट्रीज एंड हम यहाँ पे इजीली 45 मिनट्स का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है सेती रिवर जो कि सामने ही है। यस, अब हम पैदल जा रहे हैं। गोरखा म्यूजियम से निकलते ही हमें दिखता है सेती रिवर गॉर्ज एंड जस्ट अपोजिट साइड पे ही है, जस्ट 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस। सो गॉर्ज का मतलब होता है एक नैरो वैली जो कि माउंटेन्स और मे बी हिल से घिरी हुई है, और ये वैली काफ़ी डीप है। इसमें हमें काफ़ी मिल्की वाटर दिखता है बिकॉज वाटर का प्रेशर काफ़ी हाई था। बेसिकली एंट्री के बाद हमें एक यहाँ ब्रिज दिखता है जहाँ से काफ़ी तेज वाटर फ्लो होता है, और ये इस वाटर का यूज़ केस फसलों के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली इसी ब्रिज के नीचे से सेती रिवर बहती है। इस प्लेस को थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है बिकॉज नदी में भी हमें काफ़ी गंदगी देखने को मिली, और इवन जो नियर बाय गार्डन बना हुआ है ये इसको भी काफ़ी सारा मेंटेनेंस ज़रूरत है अभी। इसके अलावा यहाँ पे आप आधे घंटे का समय व्यतीत कर सकते हैं एंड इसका जो टिकट है वो 60 रुपये नेपाली रुपया है। तो अब नेक्स्ट प्लेस है हमारा होटल। आज का जितना भी हमने टूर बुक किया था उसमें जो 5-6 प्लेसेस थी वो ड्राइवर भैया ने कवर करवा दिया है। तो डे टूर के बाद हमारा लंच हो गया है डन। ऑल्दो अभी डे एंड नहीं हुआ है बट हम इस वीलॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज के दिन काफी एडवेंचर्स किए बट कल के दिन का एडवेंचर नेपाल ट्रिप का सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला है। अगला वीलॉग वहीं से शुरू करेंगे जहां इसको एंड कर रहे हैं। होप आपको ये वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।